हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं आज हम लेके आए हैं प्रेस्टीज ब्रांड का इंडक्शन कुकटॉप जिसका मॉडल है PIC 6.1V3। एंड अगर आप बेस्ट इंडक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है इसमें फीचर्स मिलते हैं जो कि नॉर्मल इंडक्शन में जो है नहीं मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके आपको बताएंगे, मिल्क गर्म करके भी बताएंगे कि मिल्क को कैसे जो है गर्म किया जाता है। तो चलिए इसको कर देते हैं फटाफट से अनबॉक्स। तो देख सकते हैं बॉक्स में मिला एक वारंटी कार्ड जिसमें कंपनी की तरफ से मिल जाती है 1 ईयर की वारंटी। एंड यूजर मैनुअल ये कैसे इसको ऑपरेट करते हैं वगैरह इसमें पूरा जो है आप पढ़ भी सकते हैं। एंड ये हमारा फाइनली हो गया है इंडक्शन कुकटॉप आपके सामने पेश। तो चलिए सबसे पहले इसमें फीचर्स जान लेते हैं, उसके बाद में मिल्क को गर्म करके भी बताएंगे कि मिल्क को कैसे गर्म किया जाता है। नॉर्मली ये गैस के ऊपर या किसी के ऊपर जब हम गर्म करते हैं तो मिल्क जो है बाहर आ जाता है, तो इसमें ऐसा क्या फीचर्स है जो कि मिल्क भी बाहर जो है नहीं आएगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले फीचर जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऑन करने के लिए ये वाला बटन दिया हुआ है प्लग में डाल के। ऑन करने के बाद मेन्यू का बटन है, पॉज का बटन है, टाइमर है, प्रीसेट है, प्लस माइनस जो कि हाई एंड लो करने के लिए, साइड लॉक का ऑप्शन दिया है। दोनों कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो सभी बटन जो है काम करने बंद हो जाएगा, ये साइड लॉक ऑप्शन है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सॉटे है, करी है, प्रेशर कुकर है, डीप फ्राई है, इडली एंड हीट मिल्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम हीट मिल्क का उपयोग करेंगे। एंड यहाँ पे जो है पावर सेवर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ऑटोमेटिक की वॉम इसमें ऑप्शन मिलता है, एंड ऑटोमेटिक विस्कर काउंट जो कि कुकर का विजल जो है इसमें काउंट होता है, तो विजल भी सेट कर सकते हैं, डोसा एंड चपाती। तो ये हो गया इसका जो है मेन्यू, इंडियन मेन्यू ऑप्शन जो इसमें मिलता है। एंड ये जो है इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ है। एंड इसमें वोल्टेज की बात करूँ तो ये है 2200 वाट्स का जो कि एकदम फास्ट हीटिंग करने वाला इंडक्शन कुकटॉप है। एंड ये पूरा जो है ग्लास आपको कंप्लीट आपको ग्लास देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जो ग्लास होता है वो सेरामिक ग्लास है ये। एंड कुछ भी अगर उसके ऊपर पानी वगैरह गिर गया तो डायरेक्ट आपको ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं, नीचे गिर जाएगा, अंदर जाने का इसमें चांस वगैरह नहीं है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंडक्शन है। एंड पीछे की तरफ देख सकते हैं फैन का यहाँ पे जो है दिया हुआ है, जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से फैन चलना जो है चालू हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं इसको इंडक्शन को ऑन एंड मिल्क गर्म करके आपको जो है बताते हैं। तो गाइस देख सकते हैं सबसे पहले हम मिल्क जो है इसके ऊपर रख देते हैं सॉस पैन को, एंड यहाँ से कर देते हैं प्लग इन ऑन। एंड सबसे पहले हमारे को देख सकते हैं स्टेप बाई करके ऑप्शन आएगा, तो इसको कर देते हैं ऑन। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये इंडक्शन ऑन नहीं होगा क्योंकि आपको यूज़ के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो इसको ऑन करने के बाद सिंपली आपको मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे तभी ये जो है इंडक्शन हीट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इसमें ऑप्शन करना है मिल्क, तो यहाँ पे मेन्यू का बटन जैसे एक बार ऑन करेंगे तो करी के ऊपर आएगा, सॉटे के ऊपर आएगा, डीप फ्राई या जो हीट मिल्क के ऊपर आएगा। तो देख सकते हैं हमने हीट मिल्क के ऊपर कर दिया, तो यहाँ पे 80 डिग्री से माध्यम से जो है ये हीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिल्क जो है गर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिल्क को पूरा गर्म करके आपको बताते हैं, तो थोड़ा फास्ट मोड कर लेते हैं वीडियो को। तो गाइस देख सकते हैं ये इस तरह से हीट करता है जो कि थोड़ा समय लेता है। ये समय क्यों लेता है कि ये स्लो से हीट होता है ताकि आपका जो मिल्क है वो फटाफट से, जैसे कि मैंने नॉर्मल मोड में लगाया होता तो विद इन 40 to 50 सेकेंड में ये जो है मिल्क बाहर आ जाता है फास्ट अगर हीट करते हैं तो। ये 80 जो टेम्परेचर है इसमें जो ये हीट है वो ठीक ठीक से कर रहा है, यानी कि आराम से कर रहा है हीट ताकि आपका जो मिल्क है अचानक बाहर ना आए। स्लो से अब हीट हो गया ऑलमोस्ट क्योंकि गर्म है पूरा मिल्क, अंदर से अंगुली तो नहीं डाल सकते लेकिन बहुत ही हीट है। जैसे ही हम इसको इंडक्शन को हटा देंगे तो ये ऑफ हीट करना ऑफ हो जाएगा, तो ये इधर से हीट करेगा। एंड जैसे ही हम इसको टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, मैन्युअली मोड से भी बढ़ेगा। एंड ये जो मिल्क का मोड क्यों किया है, जैसे कि मिल्क का मोड करने के बाद ये एक बार हीट करेगा वापस इसको छोड़ेगा, एक बार हीट करेगा वापस इसको छोड़ेगा, यानी कि कंटिन्यूसली इसमें जो है हीट नहीं देगा जैसे कि नॉर्मल मोड में देता है। मैं जैसे ही नॉर्मल मोड सेलेक्ट करता हूँ प्रेशर कुकर का, एंड अभी देखेंगे आप ऊपर आना भी शुरू हो जाएगा। ये नॉर्मल मोड कर दिया हूँ एंड 240 मैक्सिमम,
10 to 20 सेकेंड में ये थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मिल्क को मोल्ड करते हैं तो ये धीरे धीरे से गर्म होता है एंड बहुत ही अच्छे तरीके, आपको बाजू में भी रहने की जरूरत नहीं, आप दूसरा काम भी जो है बड़े आराम से कर सकते हैं, कम कर लेगा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उफड़ना जो है, ऊपर आना जो है शुरू हो गया है धीरे धीरे। तो देख सकते हैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है मिल्क, तो देख सकते हैं इस तरह से ये ऊपर बढ़ जाएगा। तो हमको फास्ट करना है, अगर आप बाजू में रहते हैं तो आप इस तरह से जो भी कर सकते हैं एंड हीट मिल्क को मोड करते हैं तो ये जो है धीरे धीरे से जो है हीट करता है। तो ये धीरे धीरे से जो है हीट करेगा मिल्क मोड हम जब करते हैं। तो अभी जो है मिल्क रेडी हो चुका है यानी कि गर्म हो चुका है, इस तरह से जो आप हीट कर सकते हैं। मिल्क मोड में जैसे किया आप देख सकते हैं फ्लो से नीचे जाएगा एंड आराम से ये हीट होगा। तो इस तरह से आप हीट भी कर सकते हैं, फास्ट तरीके से भी आप हीट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स भी हैं एंड प्राइस रेंज की बात करते हैं 4000 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। परचेज करना है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको और भी बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।